जय हिंद यूट्यूब। तो आज का टॉपिक है क्रिकेट इतिहास में इस्तेमाल होने वाले पांच ऐसे अजीबोगरीब बल्ले जिनको देखकर सभी फैंस अचंभित हो जाते हैं। तो जानते हैं दोस्तों ऐसे पांच बल्लों के बारे में जिसने सभी का ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया है। क्रिकेट के बल्ले हमेशा चर्चा का विषय रहे हैं क्योंकि गेम के विपरीत हर कोई अपना बल्ला साथ में लाता है। बहुत से लोग यह देखने में रुचि रखते हैं कि कौन सी कंपनी इस बल्लेबाज के बल्ले और इस तरह की चीजों का प्रायोजन कर रही है। 80 और 90 के दशक में खेलने वाले क्रिकेटर इस बात पर हमेशा चर्चा करते रहते हैं कि कैसे बल्ले बेहतर हो गए हैं और नए बल्ले से गेंद को मारना आसान हो गया है। ये सभी सामान्य बातें हैं जिन पर लोग नियमित रूप से चर्चा करते रहते हैं, लेकिन कई बार ऐसा होता है जब लोग कुछ विशिष्ट बैटों के बारे में बात करते हैं। ऐसे खिलाड़ी हुए हैं जिन्होंने मैदान पर कुछ अजीबोगरीब बल्ले खरीदे हैं। तो आइए नजर डालते हैं दोस्तों कि क्रिकेट के इतिहास में इस्तेमाल होने वाले पांच सबसे अजीबोगरीब बल्ले कौन से हैं। इसके पहले जो भी मेरे भाई बंधु नए हैं इस चैनल में और गलती से सब्सक्राइब करना भूल गए हैं तो देर किस बात की दोस्तों, जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो, लेट्स गो। तो हमारे इस लिस्ट के नंबर पांच पे है एल्युमिनियम बैट। ऑस्ट्रेलिया तेज गेंदबाज डेनिस लिली ने एक बार इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट मैच में एल्युमिनियम के बैट से खेला था। टेस्ट के दूसरे दिन लिली के हाथ में एल्युमिनियम का बल्ला लेकर चले, जिसे बहुत से लोगों ने पहले नहीं देखा था, लेकिन इंग्लैंड के कप्तान कुछ ओवरों के बाद खुश नहीं थे क्योंकि उन्होंने कहा कि गेंद खराब हो रही है। इतना ही नहीं, ऑस्ट्रेलियाई ग्रेग चैपल भी लिली से खुश नहीं थे क्योंकि कुछ शॉट ऐसे थे जो बाउंड्री तक जा सकते थे, लेकिन पर्याप्त बल नहीं होने के कारण ऐसा नहीं हुआ। बाद में चैपल ने मैदान में प्रवेश किया और लिली को एक पारंपरिक बल्ला दिया। हमारे इस लिस्ट के नंबर चार पे है कार्बन ग्रेफाइट विलो। रिक्की पोंटिंग जो वर्तमान में दिल्ली के कैपिटल के कोच हैं, उनके पास कार्बन ग्रेफाइट विलो वाला बल्ला था। पाकिस्तान के खिलाफ एक टेस्ट सीरीज में उन्होंने इसी बल्ले से दोहरा शतक भी जड़ा था, लेकिन कुछ समय बाद बल्ला सवालों के घेरे में आ गया क्योंकि MCC ने इस विशेष विलो पर अपनी चिंता व्यक्त की जो बल्लेबाज को अतिरिक्त शक्ति देता है। MCC ने बल्ले की समीक्षा की और फिर इसे अवैध माना, इसलिए रिक्की पोंटिंग को उस विशेष बल्ले से खेलने की अनुमति नहीं दी गई। हमारे इस लिस्ट के नंबर तीन पे है गोल्डन बैट। एक विशेष सुनहरे रंग का बल्ला भारत से ऑस्ट्रेलिया ले जाया गया था ताकि यूनिवर्सल बॉस क्रिस गेल 2015 में बिग बैश लीग के पहले गेम के लिए इस विशेष बल्ले का उपयोग कर सके। आउट होने से पहले कुछ छक्के ऐसी अफवाहें थी कि बल्ले के अंदर धातु थी, लेकिन स्पार्टन द्वारा यह स्पष्ट किया गया कि कोई धातु नहीं थी और यह सिर्फ एक अफवाह है। हमारे इस लिस्ट के नंबर दो पे है ब्लैक विलो। आंद्रे रसल फनी चीजें करने के लिए जाने जाते हैं। KKR के लिए पिछले IPL मैच में उन्होंने दो अलग अलग रंग के दो जूते पहने थे। इसी तरह 2016 में आंद्रे रसल एक ऐसा बल्ला लेकर चले जिसमें एक काली विलो लगी हुई थी। यह एक अजीब सा बल्ला था क्योंकि लोगों ने वास्तव में कभी काले रंग का बल्ला नहीं देखा था। कुछ लोगों ने सवाल किया था कि क्या इस तरह के बल्ले की अनुमति है, लेकिन क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने रसल को अजीब से बैट से खेलने की अनुमति दे दी, लेकिन बाद में पता चला कि बल्ले की वजह से गेंद का रंग बदल रहा है, इसलिए आंद्रे रसल को उस बल्ले का इस्तेमाल करने की अनुमति नहीं दी गई। हमारे इस लिस्ट के नंबर वन पे है मंगूज बैट। जिन लोगों ने शुरुआती सालों में IPL को देखा होगा उन्होंने इस अजीबोगरीब बल्ले के बारे में जरूर सुना होगा, जिसका इस्तेमाल मैथ्यू हेडन किया करते थे। 2010 में हेडन ने इस अजीबोगरीब बल्ले का इस्तेमाल किया जिसे मंगूज बैट कहा जाता था, जिसका एक लंबा हैंडल और एक छोटा विलो हुआ करता था। विलो छोटा था इसलिए पूरे बल्ले को स्वीट स्पॉट माना जाता था। हेडन ने इस बल्ले से IPL के एक खेल में दिल्ली कैपिटल के खिलाफ 43 गेंद में 93 रन की शानदार पारी खेली थी। बाद में बल्लेबाजों ने महसूस किया कि इस बल्ले से छक्के मारना आसान है लेकिन बचाव करना मुश्किल है, और इसलिए हेडन और अन्य खिलाड़ियों ने इस बल्ले का इस्तेमाल करना बंद कर दिया। तो ये थे पांच ऐसे खतरनाक बल्ले दोस्तों जो कि सभी क्रिकेट फैंस को कुछ अजीबोगरीब लगे, और ये बल्ले खेल के नियमों पर खरे नहीं उतर पाए और इन्हें बंद कर दिया गया। आपको क्या लगता है दोस्तों कि ये बल्लों का उपयोग फिर से किया जाना चाहिए? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। तो इसी के साथ हम आज का वीडियो यही समाप्त करते हैं दोस्तों। उम्मीद है यह जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। हम लौटेंगे अपनी नई वीडियो के साथ आपके अपने YouTube चैनल क्रिकेट सूचना में। तब तक के लिए जय हिंद।